नाव डूबते हुए मनुष्य को नहीं बचा सकती, कब? अगर वो आपके द्वारा उपेक्षित है। तो हम कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन अगर हम भगवान के द्वारा उपेक्षित होंगे, भगवान के नियमों को नहीं मानेंगे, हाँ, हमारा जीवन भगवान ने जिस प्रकार से बताया है उस प्रकार से नहीं जिएंगे, शास्त्र के अनुसार हमारा जीवन नहीं जिएंगे, तो हम भगवान के द्वारा उपेक्षित होंगे और फिर हमारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। तो इसीलिए हम देखते हैं कई बार हमारे व्यवहारिक जीवन में ही कि ऐसे दो मरीज हैं, एक ही प्रकार के, दोनों को एक ही प्रकार का रोग हुआ है, एक ही डॉक्टर के पास वो दोनों ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, जिस मरीज की बचने की आशा बहुत कम होती है वो मरीज बच जाता है, और जिसकी आशा बहुत होती है कि ये मरीज तो ठीक है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा, वो मर जाता है। ये क्यों होता है ऐसा? एक ही डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, सेम रोग है, फिर भी ऐसा क्यों होता है? कई बार हम देखते हैं, मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है, चेन्नई सुपर एक्सप्रेस जो है ना, चेन्नई एक्सप्रेस, तो उसमें एक बार एक महिला ट्रैवल कर रही थी और वो गर्भवती थी। तो क्या हुआ, जब वो लेटरिन के लिए गई तो उसकी डिलीवरी हो गई, और डिलीवरी होके उसका बच्चा जो होल होता है टॉयलेट का उसमें से गिर गया, चालू ट्रेन में वो बच्चा गिर गया ट्रैक के नीचे, फिर भी वो बच्चा जिंदा था। कैसे कैसे संभव है? क्योंकि भगवान ने उसकी रक्षा की। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, जैसे भीम, पांडव, हाँ, और अनेक अनेक भक्त हैं जिनकी रक्षा भगवान ने की है हमेशा। क्यों? क्योंकि वो भगवान के शरणागत थे, क्योंकि वो भगवान के कृपा पात्र बने थे। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़ेगा? तो हम समझते हैं सामान्य हमारे उदाहरण से, जैसे अभी क्वारंटाइन सब लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, अगर हम अभी सरकार के नियम का पालन नहीं करेंगे, जो भी सरकार ने नियम बताए हैं उस प्रकार से हम नहीं चलेंगे, घर में रहना है या जब भी बाहर निकले तो डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क लगाना है, इत्यादि इत्यादि, तो क्या होगा, सरकार हमें दंडे मारेगी, सरकार हमें लॉकअप में कैद कर देगी। और ऐसे कुछ अड़ियल लोग हैं जो सरकार के नियम नहीं मान करके फिर भी ऐसी हैरान गति, ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, लॉकडाउन पीरियड बढ़ जाएगा। तो कई बार लोग कहते हैं कुछ पापी लोग ऐसा कर रहे हैं, उसकी वजह से सजा सबको क्यों मिले? तो ऐसे ही, जैसे हम सब जानते हैं, हम सब लोग ने ऐसा नहीं किया, जैसे दूसरा एक क्वारंटाइन पीरियड, जो लॉकडाउन पीरियड बढ़ा, तो उसमें कुछ लोगों ने ऐसी हरकत की, वो भी एक मेजर फैक्टर है ना। तो ऐसे ही ज्यादातर लोग अच्छे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो उत्पात मचाते हैं उसकी वजह से प्रकृति भी प्रकोप करती है। भगवान की अध्यक्षता में जो प्रकृति कार्य करती है, जो लोग भगवान के कानून को नहीं मानते हैं, जो लोग सरकार के कानून को नहीं मानते हैं उसको पुलिस दंड देती है, वैसे ही प्रकृति भी हमें दंड देती है। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज आगे कहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार से भगवान की शरण ग्रहण की जाती है, सकती है। भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का स्मरण करना, भगवान का पूजन अर्चन करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान का भजन करना, और भगवान के साथ फ्रेंडशिप मित्र भाव से सेवा करना, इत्यादि इत्यादि करके हम भगवान की फेवर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबसे भी निवेदन है, आप सब हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, आपके लिए भी कीजिए, पूरी दुनिया के लिए कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए, भगवान को भोग लगाइए, और हर रोज भगवान की कथा वार्ता सुनिए, जानिए, भगवान का शरण ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि सभी पुस्तक आप अपने घर ले जाइए, और चाहे तो हमारे पास मंगवाइए, और इसी विषय में प्रकृति के नियमों के ऊपर एक विशेष किताब है, प्रकृति के नियम, गुजराती में प्रकृति ना नियमो, और इंग्लिश में लॉज ऑफ नेचर, तो वो भी आप मंगवा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जो अल्टीमेट लॉ है वो पढ़िए आप। अगर हम नहीं जानेंगे ये लॉ तो हम जरूर जरूर कष्ट में आएंगे। जैसे मान लीजिए आप अमेरिका चले गए, अभी कोई नहीं जाएगा अमेरिका, लेकिन फिर भी मान लीजिए आप गए, और अमेरिका जाके भी आप राइट साइड पे जो चलाने का वहाँ नियम है वो भूल करके, या आपको मालूम नहीं था वो नियम, फिर भी आपने लेफ्ट साइड पे, जैसे हम भारत में गाड़ियां चलाते हैं वैसे गाड़ी चला ली, तो क्या होगा, वहां पे पुलिस तुरंत आके आपको फाइन कर लेगी, है ना, वहां कोई बात नहीं चलेगी।
तो उसी प्रकार हम ये प्रकृति में भगवान की सृष्टि में रह रहे हैं, तो हमें भगवान की प्रकृति के सृष्टि के नियम जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम ऐसे ही फंस जाएंगे जैसे हम अमेरिका जाके फंस जाते हैं। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कृपया भगवद गीता और प्रकृति के नियम ये सब किताबों में से हम जाने भगवान ने कैसे ये सृष्टि बनाई है, क्यों बनाई है और हमें किस प्रकार से यहाँ कार्य करना है। तो आप सभी से निवेदन है कृपया आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अन्य बहुत सारे लोग हैं जो ये सब नहीं जानते हैं उन लोगों तक आप पहुंचाइए, उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको और आगे आगे बढ़ाइए ताकि सब लोग भगवान के नियम कानून का पालन करें और सब लोग सुरक्षित रहे। जिस प्रकार हम सब आजकल लॉकडाउन और क्वारंटाइन एक दूसरे से अलग रहना, उसके लिए बहुत अलग अलग चीजें लोगों को शेयर कर रहे हैं क्योंकि हम सब बचना चाहते हैं मृत्यु से, लेकिन अगर हम भगवान के द्वारा उपेक्षित हो जाएंगे तो मृत्यु तो कैसी भी आनी ही है। तो इसीलिए भगवान के संरक्षण में हम रहेंगे तो प्रहलाद, भीम, अर्जुन, पांडव, द्रौपदी या इत्यादि अन्य अन्य भक्तों की तरह, गोकुलवासी, वृंदावन वासियों की तरह सुरक्षित रहेंगे। भगवान ने वचन दिया है न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, तो इसीलिए हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। तो आप जान लीजिए अगर ये हम नहीं जानते हैं और इस विधि को नहीं अपनाएंगे तो कोई भी दवाई काम लगने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए और दूसरों को शेयर करना कभी नहीं भूलिए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।